YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको सिखाने वाले हैं टिक्की एप्लीकेशंस क्या, और उस एप्लीकेशंस में आप किस प्रकार से सारा प्रोसेस उसमें कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो बनाना, फॉलोअर्स बढ़ाना और भी दोस्तों बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम जो है सबसे पहले चले जाएंगे मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां सर्च कर लेना है टिक्की वीडियो। तो हम जैसा कि दोस्तों सर्च कर लेते हैं, टिक्की जैसे ही लिखेंगे दोस्तों आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ जो है रिजल्ट आपको निकल के सामने आ जाएगा। तो आपको जो है ये आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा कि यहाँ एक टिक्की शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है। तो आपको इस वाले एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना, और हम आज इसी एप्लीकेशंस का रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ बैक हो जाते हैं, आपको इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद हम यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर इसे ओपन करेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों इसका जो हमें इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमें नीचे के साइड में 5 ऑप्शन एंड ऊपर के साइड में तो आप भी जो इस एप्लीकेशन में डिस्कवर ये हो गया कि आप किस किस जैसे कि एक होम का, ये होम मैसेजेस करता शुरू करेंगे। प्रोफाइल पे हम जाते हैं, ये देख लीजिए हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे। अब देख लीजिए दोस्तों हमें जो है अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, हम अलाउ कर देंगे। अब हम मोबाइल नंबर से इसे सबसे पहले वेरीफाई कर लेंगे। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं और फिर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। इतना कर देने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ एक कोड आएगा, तो कोड हमें इसमें से डालना है, जो कि एक सेकेंड का टाइम लिया गया है, एक मिनट का टाइम लिया गया है। तो हम यहाँ कोड आने देते हैं, यहाँ वेटिंग फॉर मैसेजेस मेरा हो रहा है, तो ये कोड ऑटोमेटिकली इसमें आके सेलेक्ट हो जाएगा और हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे क्या करना है और कैसे करना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ लॉगिन हो चुका है। अब हमें जो है एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि आपको कोई सा भी पासवर्ड आपको यहाँ एक पासवर्ड जो कि अच्छे नाम का आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो हम दोस्तों उस पासवर्ड को यहाँ पे सेट कर लेते हैं और फिर डन पे क्लिक कर देंगे। इतना कर देने के बाद दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और देख लीजिए हमें जो है एक इनपुट यूजर नेम डालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम एक यूजर नेम भी दोस्तों डाल लेते हैं यहाँ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं हम आपको यहाँ एक नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमें या नाम जो है सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अगर हम एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हम अपना नाम सब भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपना नाम को अभी चेंज कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ जो है हमें नाम चेंज करने में यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई अंक डाल लेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ जैसे ही नाम के आगे, दोस्तों ये चीज़ आप जरूर याद रखें, नाम के आगे कोई सा भी नंबर्स लेटर्स
अंक वाला, जैसे 1 2 3 4 या कुछ भी जैसे कि आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप उस प्रकार से यहाँ जरूर लगाएं, तभी आपका नाम जो है एडिट हो पाएगा। और यहाँ आप चेंज अवतार पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ से चाहे तो एक कोई सा भी प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ प्रोफाइल फ़ोटो भी लगा लेते हैं। और इतना कर लेने के बाद दोस्तों आगे के स्टेप हम आपको बताएंगे कि क्या करना और किस प्रकार से करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम जो एक प्रोफाइल फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर देंगे। और सेव कर देने के बाद दोस्तों ये सेविंग हो रहा है, हम आपको बताते हैं। अब देख लीजिए, अब बारी आती है हमारी बर्थडे बायो जेंडर। तो दोस्तों हमें इस चीज़ को भी क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों बायो में आप जो भी डालना चाहते हैं वो चीज़ आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं बायो में अपना स्टेटस क्रिएटर। तो दोस्तों इतना लिख देने के बाद अब हम, क्योंकि हमारा चैनल जो रहेगा दोस्तों इस पे जो वीडियो का प्रोफाइल रहेगा हमारा स्टेटस क्रिएटर पे ही रहेगा, तो हमने स्टेटस क्रिएट यहाँ डाल चुका है। और फिर बर्थडे आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका जिस भी तारीख को जन्मदिन हुआ है वो तारीख को सेलेक्ट कर ले, और फिर कौन सा महीना उस महीना को, और फिर साल को भी आप यहाँ पे क्लिक कर ले कि आप कौन से साल में आपका जन्म हुआ है। तो हम यहाँ क्लिक कर लेने के बाद इसे सेव कर देंगे। और फिर बारी आती है अब सेलेक्ट योर जेंडर। अब दोस्तों आप अगर मेल है यानी कि लड़का है तो मेल, अगर आप लड़की है तो फीमेल, अगर आप अदर है तो आप अदर पे क्लिक करें। अब देख सकते हैं दोस्तों अवतार पेडेंट हमें करने के लिए सेटिंग पे हम जाते हैं और देखते हैं ये हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप भी टिक्की वीडियो को इस प्रकार से अपने प्रोफाइल को बना सकते हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहिए, अभी और भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ जो हमें एक वॉलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमें देखने के लिए मिल रहा है, हमें एक टास्क दिया जा रहा है जहाँ से कि हमें रिचार्ज नाउ पे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, एक टास्क पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। तो दोस्तों हमें यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ से कि हमें 23 स्टार मिलेंगे। तो दोस्तों हमें इसे नहीं लेना है, हम बैक हो जाते हैं। अगर हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों हमारा सारा चीज़, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी में कुछ में भी रख सकते हैं, हम हिंदी में रख के इसे कन्फर्म कर देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है, यहाँ आप मैसेजेस देख रहे होंगे, यहाँ हमें 2 मैसेजेस शो कर रहा है। हम मैसेजेस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए हमारा फॉलोअर्स और लोगों का कॉमेंट और लाइक्स, ये चीज़ हमें यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से फॉलोअर्स पे हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी मेरा 0 फॉलोअर्स है क्योंकि हमने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। और हम प्लस वाले पे आइकॉन पे क्लिक करते हैं, अब हमें अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारे मोबाइल, आप यहाँ हमारे मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो है यहाँ से हम कैमरा शूट करके वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक सेलेक्ट म्यूजिक का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप देख लीजिए, यहाँ एक सेलेक्ट म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ से देख लीजिए इतना सारा म्यूजिक आपको दिख रहा है, आपको जिस भी म्यूजिक पे जो है वीडियो क्रिएट करना है उस म्यूजिक को यहाँ से उस पर टैप करें। और फिर जैसे आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर हम यहाँ से इस म्यूजिक को जैसे हम टैप किया, अब ये म्यूजिक बज रहा है। क्लिक करने, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख लीजिए हमारा यहाँ म्यूजिक बजेगा। और ये जो आपको दोस्तों कैमरा का बटन दिख रहा होगा, आपको उस कैमरा वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना है, इस वाले कैमरा बटन पे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ से शूटिंग कर सकते हैं। और इतना कर देने के बाद दोस्तों आप इसे तुरंत अपलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ इस वाले सर्च वाले ऑप्शन में। सर्च में आके दोस्तों आप अपने कोई भी दोस्त को या कोई भी आपका जान पहचान का जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं उसकी वीडियो को, तो आप दोस्तों यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं उसे। तो दोस्तों आप देख लीजिए हैशटैग भी आप डाल सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ से आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।